इंदौर में कांग्रेस सेवा दल का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया। कमलनाथ के सोने की चम्मच लेकर पैदा होने के बीजेपी के तंज पर भी दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, धरने पर बैठे पहलवानों का किया समर्थन, कमलनाथ पर बीजेपी के निशाने का दिया जवाब, कहा किसी को अपने परिजन चुनने का अधिकार नहीं। दिग्विजय सिंह बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते। अब की बार उन्होंने दिल्ली में रेसलर्स के धरने को लेकर कहा कि जब सामान्य सी बात FIR हो जाती है, फिर भी अब तक ब्रजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान उन्होंने पुलवामा हमले पर चल रही विवाद पर भी अपनी राय रखी। रेसलर जो है धरने पे बैठे हैं, ब्रजभूषण जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हर हफ्ते मन की बात कहने के लिए समय है, लेकिन जन की बात सुनने के लिए समय नहीं है। असम में एक युवक कांग्रेस की लड़की, एक हमारे युवक कांग्रेस के नेता के खिलाफ एक बयान दे देती है, उसमें FIR भी हो जाती है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी होता है। इसी प्रकार से राहुल गांधी जी अपने भाषण में एक लड़की के बयान की का उल्लेख करते हैं, उनसे पूछने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर घर चले जाते हैं कि आप इसकी जानकारी हमें दीजिए, और वो देश की महिला रेसलर्स जिनको कि प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया, जिन्होंने देश का झंडा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लहराया, उन्होंने यौन शोषण का आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगाया, उसके खिलाफ आज तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? इसलिए क्योंकि वो भाजपा का नेता है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आखिर दम तक हम उन सभी हमारे वो सारे एथलीट जिन्होंने कि इस देश का सम्मान बढ़ाया, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कर्नाटक राजनाथ सिंह जी, जरा अपने मन में आपके ऊपर क्या बीत रही हम जानते हैं, किस प्रकार से आपको इन्होंने आपने जिस प्रकार से आपको भाजपा और मोदी जी शाह जी ने एक कोने में बैठा दिया है, आपकी मन की पीड़ा हम समझते हैं, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे देश में आज चर्चा है कि सत्यपाल मलिक जी ने, जो कि गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने गए थे, उस समय जबकि वहाँ पर आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ऐसे विश्वासपात्र व्यक्ति ने पुलवामा की घटना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि ये सूचना तंत्र इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, उसका जवाब आज तक मोदी जी ने क्यों नहीं दिया? 40 लोग शहीद हुए हमारे जवान, उनके परिवार आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि जांच क्यों नहीं हुई। मैंने जब यह प्रश्न कर दिया था तब मुझ पर आरोप लगाया था देशद्रोह का। अब आप बताइए कि मैंने तो वही बात कही थी जो आज उस समय के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल कह रहे हैं। बात वही है कि जब मैं किसी बात को कहता हूं तो सोच समझ के कहता हूं। आज तक मैंने अपना कोई बयान पलटा नहीं है और बिना रिसर्च के मैं बोलता भी नहीं हूँ। वही बीजेपी के द्वारा कमलनाथ और नकुलनाथ को सोने की चम्मच लेकर पैदा होने के तंज पर दिग्विजय सिंह ने इसका बड़े ही सरल अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी अपने परिजन चुनने का अधिकार नहीं है। एक बात सुनिए, क्या किसी भी व्यक्ति को उसके पेरेंट्स को चुनने का अधिकार है क्या, जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है?
दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आरएसएस पर धर्म का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है और सभी को अपना धर्म चुनने का अधिकार होने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।